हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन टुडेज मेन्यू विद शुभी मिन्हाज। तो मैं हूँ शुभी। तो कल टीचर्स डे है और मुझे बहुत सारा केक बनाना है, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ सबसे पहला केक बनाना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बनाते हैं टीचर्स डे स्पेशल केक। एक पाउंड का केक बनाना है तो उसके लिए मैंने लिया एक कप से ज़रा सा कम प्रीमिक्स और उसमें मिलाएंगे पाइनएप्पल इमल्शन। अब थोड़ा थोड़ा पानी मिला करके इसका स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। एक कप से कम प्रीमिक्स इसलिए लिया है कि इसमें मुझे पाइनएप्पल फिलिंग डालनी है अच्छे से ताकि खूब अच्छा टेस्ट हो केक का, इसी वजह से। अब एक टीस्पून से थोड़ा कम ऑयल मिलाएंगे, इसको भी मिला लेंगे। अब कट एंड फोल्ड कर लेंगे और इसको 6 इंच के टिन में मैंने बेक किया है और अवन में उसी तरह से बेक किया जैसे हमेशा मैं करती हूँ 180 डिग्री पर नीचे की रॉड ऑन करके। आज मैंने अवन की रिकॉर्डिंग नहीं की है क्योंकि बहुत सारा काम था मुझे। अब ये केक मेरा बेक हो गया है, देखिए बहुत ही अच्छी तरह से बेक हुआ है। अब इसकी पतली सी लेयर हटा देंगे। तो केक का वेट मैनेज करने के लिए आप देख लीजिए, आपका अगर 1 पाउंड का केक है तो आपको कितना प्रीमिक्स लेना है, कितना क्रीम का उसमें काम है, उसी हिसाब से प्रीमिक्स लीजिए। अगर क्रीम का काम ज़्यादा है तो कम प्रीमिक्स लेना होता है। मैं तो फिलिंग वैसे हमेशा ही डालती हूँ केक के अंदर, लेकिन और आज थोड़ा सा और अच्छे से डाला है और प्लस फोंडेंट का थोड़ा सा टॉपर वगैरह है तो सबका वेट हो जाता है। तो आपका इतना डालने के बाद भी 1/2 kg से थोड़ा ज़्यादा ही वेट हो जाता है, कभी कम नहीं होता है। 1/2 kg का मैं केक बनाती हूँ तो मेरा 600 ग्राम तो मिनिमम होता ही है, तो मैं उतना देती हूँ बना करके, इतना एक्स्ट्रा देती हूँ। अब बोर्ड रखा है, उस पर क्रीम लगाया है और इसको चीनी और पानी के मिक्सचर से सोक कर लेना है। और क्रीम में भी मैंने पाइनएप्पल इमल्शन मिलाया था ताकि क्रीम के अंदर भी अच्छा टेस्ट रहे। अब क्रीम को स्प्रेड करना है जैसे हमेशा हम करते हैं, साइड से भी बराबर कर लेना है। इसके ऊपर हम पाइनएप्पल क्रश डालेंगे और क्रश को स्प्रेड करना, उसके बाद फिलिंग डालनी है। इस केक में मैं डेकोरेशन कुछ और करने वाली थी और कुछ और ही, मतलब वो मुझे अच्छा नहीं लगा बनाने के बाद, तो फिर मैंने सब कुछ चेंज किया। कलर भी कुछ और करना था, फिर कलर भी सारा चेंज किया। तो देखिए कितने अच्छे से मैंने इसमें फिलिंग डाली है। तो ये सारे चीज़ का वेट आपके केक में ही जाएगा, तो ये सब चीज़ मैनेज करना धीरे धीरे ही आता है। मैं भी पहले जब बनाती थी तो 1 पाउंड का केक यानी कि 1/2 किलो का मेरा बनते बनते लगभग 1 किलो हो जाता था शुरू में, लेकिन फिर मुझे धीरे धीरे मैनेज करना आया कि अच्छा कितना मैं बनाऊंगी, कितना प्रीमिक्स लूंगी, कितना क्रीम लेना है, कितना बाकी सब चीज़ का वेट भी ऐड जोड़ना उसके अंदर। तो थोड़ा सा काम करते करते ही हर काम इंसान सीखता है। तो बस इसी तरह से हम अपनी तीनों लेयर को सेट कर लेंगे और उसके बाद इसको क्रम कोट करके थोड़ी देर फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। और आज मुझे कई सारे केक का ऑर्डर था तो एक साथ ही मैंने बहुत सारा केक बेक किया है। एक बार ओवन में डाल के जितना एक बार ओवन में आ सका उतना डाल के मैंने बेक किया। तो सब केक एक साथ जो बेक किया, इस वजह से मैंने बेक करने की वीडियो नहीं डाली, इसमें नहीं बनाई क्योंकि भरा हुआ था मेरा ओवन। और फिर मैंने सारे केक को बेक करके सबको निकाल करके रख दिया अच्छे से पैक करके, मतलब पैक नहीं किया, उसके ऊपर टॉवल डाल करके रखा, मतलब कि ताकि वो सुबह तक में ये नहीं हो, ख़राब नहीं हो, सूखे नहीं। फिर अब जो सुबह हुई तो फिर मैंने सारे केक को धीरे धीरे बनाया। और ये वाला केक मेरा अर्जेंट का था, ये मुझे सुबह सवेर देना था, इस वजह से इसको मैंने लेट नाइट, मतलब बहुत लेट नाइट बना करके फ्रिज में रखा ताकि ये सेट भी हो जाएगा और सुबह सुबह उठने के बाद मैं इसे दे दूँगी। तो देखिए क्रम कोट हो गया है। अब ये मैं बना रही हूँ, मतलब इसकी फ्रॉस्टिंग कर रही हूँ। तो ये भी मैंने वाइट क्रीम में बस थोड़ा सा इमल्शन मिलाया था ताकि टेस्ट, कलर सब कुछ इसमें आ जाए, क्रीम के अंदर कलर नहीं ऐड किया था। और बस इसको मैंने पहले तो ऊपर से बराबर किया, फिर साइड से बराबर किया। इस
पेपर पर घुमा के साइड वॉल को अच्छे से क्लीन कर लिया। और मुझे डिज़ाइन सबसे पहले तो डिज़ाइन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब ज़्यादा ढेर सारा काम होता है तो डिज़ाइन ही समझ में नहीं आती कि अब करना क्या है। अगर कस्टमर की तरफ से डिज़ाइन दे दी जाती है तो ईजी हो जाता है कि बस जो दिया है वही बनाना है। लेकिन अगर वैसा कुछ नहीं होता तो कभी कभी एकदम दिमाग बंद हो जाता है और कुछ समझ नहीं आता कि अब करना क्या है। मैं ये स्क्रेपर चला रही हूँ और सोच रही हूँ कि अब आगे से क्या करना। फिर मैंने सोचा कि इंस्टाग्राम की रील पर एक डिज़ाइन देखा था, वो मुझे अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा वही बना देती हूँ। तो पहले तो केक के साइड वॉल को मैंने वाइट क्रीम लगा के, थोड़ी सी क्रीम लगा के वाइट किया। फिर इस तरह से मैंने इस पर पैटर्न बनाया। बन तो गया था पैटर्न सही, और लेकिन फिर वो मुझे अच्छा नहीं लगा। इसके ऊपर कुछ पिंक भी था बनाना था, तो वो सही नहीं बना या मुझे अच्छा भी नहीं लगा। टीचर्स डे के ओकेजन के हिसाब से मुझे नहीं अच्छा लगा, तो फिर मैंने उसको पूरे को हटाया और फिर इस तरह से उसको पहले तो शेडेड कर दिया केक को, केक कलर को, ऊपर वाले पोर्शन को पूरा ही पिंक कर दिया और साइड में शेड पिंक और ये कौन सा ग्रीन था, कोई ग्रीन शेड था मुझे याद नहीं आ रहा अभी, वो शेड डाला था मैंने, थोड़ा सा दो बूंद डाला था क्रीम में। अब ये टील कलर का दो तीन बूंद डाला है क्रीम के अंदर, ज़्यादा नहीं। मुझे एक तो ग्रीन कलर से थोड़ी सी परेशानी होती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लगता है, हाथों में भी लगता है तो नहीं छूटता, और बच्चे खाते हैं तो भी मुँह में भी लगता है बहुत ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर मुझे यही कलर इस पर मैच कर रहा था तो मुझे डालना था, तो मैंने सिर्फ दो बूंद ही डाला है क्रीम के अंदर। उसके बाद पाइपिंग बैग में लगाया वो मोदक वाला जो नोज़ल होता है वो, और बस सिंपली ड्रॉप किया है और फिर साइड में भी सेम उसी तरह से ड्रॉप कर दिया है। अब बीच वाले ऊपर के सरफेस पर बीच का पोर्शन खाली रखा, क्योंकि थोड़ी देर काम करते करते मेरे दिमाग की बत्ती फिर जल भी गई जल्दी ही, तो वो खाली रखा है क्योंकि मैंने कुछ फॉन्डेंट का टॉपर बनाया टीचर्स डे से रिलेटेड, तो वो वहाँ पर प्लेस करना था इसलिए। तो ये मैंने दो बुक बनाई है, एक पेन बनाया, एक पेंसिल बनाई और एक मैथ का फॉर्मूला लिखा जो बचपन में हम पढ़ते थे वही, और उसको सेट कर दिया यहाँ पर। जिन्होंने बनवाया था उनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, कुछ बोला नहीं था, बस वो ऐसे ही उन्होंने बोल दिया था कि बना दीजिए टीचर्स डे का केक। ये मैंने अपनी तरफ से बनाया है और फिर हैप्पी टीचर्स डे लिख दिया साइड में। तो बिगड़ते बिगड़ते मेरा केक बहुत अच्छा बन गया था, कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा लग रहा था। तो आप लोगों को ये कैसा लगा है ये तो आप लोग बताइएगा, मुझे तो बहुत ही प्यारा लग रहा था मेरा केक। और टेस्ट के बारे में तो मुझे बाद ही पता चलेगा जब लोग खा लेते हैं, उसके बाद मुझे कमेंट करते हैं कि अच्छा था या नहीं था या क्या ख़राबी थी क्या अच्छा, सब बताते हैं मुझे। और जिन्हें मैं केक देती हूँ, जिनको भी मैं केक देती हूँ, अगर वो ऐसे तो करते नहीं हैं लेकिन कभी मैं अगर कोई चीज़ उनको नहीं सही लगी अगर वो बताते हैं तो मैं उस पर ज़रूर ध्यान देती हूँ, और देना भी चाहिए। कभी बुरा नहीं मानना चाहिए, हमेशा अपने आप को सही करते रहना चाहिए, कभी भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है और हमेशा ज़िंदगी में सीखता ही रहता है कुछ ना कुछ, तो हमेशा सीखते रहना चाहिए। तो सुबह सुबह जो सबसे पहले मुझे केक देना है वो रेडी हो गया है, इसको मैं रख दूँगी पैक करके अभी फ्रिज में, क्योंकि ताकि मैं सुबह सुबह इसे दे पाऊँ। और बाकी मैं सुबह कल बाकी जो मैंने केक बेक करके रख दिया वो अब धीरे धीरे कल बनाऊँगी, एक एक करके बना के रखूँगी। तो ये वाली डेकोरेशन मेरी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी होगी मेरी वीडियो तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी सारी नोटिफिकेशन आपको मिले, मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए कल फिर मिलेंगे हम इस तरह की कोई नई डेकोरेशन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।